कल की 2898 AD के ट्रेलर का ये डायलॉग एक रेफरेंस हो सकता है लॉर्ड विष्णु के द्वारा लड़ी हुई कुछ फाइट्स का, जो कि उन्होंने अलग अलग युगों में अपने अलग अलग अवतारों के थ्रू लड़ी है। रिकॉर्ड चेक कर रहा, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। आप में से कुछ लोग ये जरूर कह सकते हो कि प्रभास तो कल्कि है ही नहीं, कल्कि का तो जन्म अभी तक हुआ ही नहीं है। तो मैं इस थ्योरी के सपोर्ट में अपने 2-3 पॉइंट्स रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो ट्रेलर के एंड में कमल हसन एक डायलॉग बोलते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। अब मुझे इतना तो पता है कि अगर मेरे राइवल का कोई आदमी जन्म लेने वाला है तो वो मेरे लिए एक अच्छा युग, एक नया युग तो नहीं होगा। अगर मेरा ही कोई ट्रम्प कार्ड गेम के अंदर आने वाला है तभी वो मेरे लिए एक नया युग या फिर कह सकते हो एक मास्टर स्ट्रोक होगा। तो कुल मिला के कमल हसन का ये डायलॉग इंडिकेट करता है कि दीपिका के पेट में जो बच्चा है वो कल्कि अवतार नहीं है। मेरे हिसाब से वो कल्कि का एक फिजिकल फॉर्म हो सकता है। वो बस एक मिसलीडिंग ट्रोप था ट्रेलर के अंदर ताकि हम एज एन ऑडियंस मिसलीड हो सके। वरना तुम खुद ही सोचो, एक इतने बड़े एक्टर को मूवी में कास्ट करना और मूवी उसके नाम पे मार्केट कर देना, उसको अपने मूवी का पोस्टर बॉय बना देना, किस लिए? बस किसी दूसरे एक्टर के द्वारा उसे ओवरशैडो कराने के लिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। स्वागत है आप सभी का हिडन डिटेल्स फ्रॉम कल्कि 2898 AD ट्रेलर के पार्ट 2 में। इससे पहले मैंने इस ट्रेलर के हिडन डिटेल्स का पार्ट 1 वाला वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको इधर या इधर कहीं भी फ्लैश होता दिख जाएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा नाम है अभी एंड आप देख रहे हो सिनेमा विद अभी। ये भी नहीं यार, इस पर्टिकुलर शॉट में हम एक फ्यूचरिस्टिक सा ट्रक दिखता है जो कि एक पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब एक्चुअली में ये वही ट्रक होगा जिसके अंदर दीपिका का कैरेक्टर बैठ के कॉम्प्लेक्स से एस्केप करेगा। अब सिंस हमने ग्लिम्स में देख रखा था कि दीपिका का कैरेक्टर जो है वो एक मास एक्सपेरिमेंट का पार्ट होगा जिसे प्रोजेक्ट के कहा जा रहा है, जो कि मास्टर यास्किन प्रोबेबली अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर करवा रहा है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एस्केप कर जाएगी अपनी दीपिका की कैरेक्टर और इसी ट्रक में बैठ के वो वहां से फरार होगी, जिसके बाद पता लगने पर कॉम्प्लेक्स दीपिका के कैरेक्टर के ऊपर 1,000,000 यूनिट्स की बाउंटी लगा देगा और अपने रेडर्स को भी दीपिका के पीछे भेज देगा। और सिंस मूवी के प्लॉट के लिए दीपिका काफी इंपॉर्टेंट है तो उनको रेडर से बचाने के लिए अश्वत्थामा हमें मूवी में दिखेंगे, जहां ट्रेलर के इस पर्टिकुलर शॉट में हम अश्वत्थामा को इस ट्रक के पीछे से एंट्री लेते हुए भी देख सकते हैं। और अगर इस सीन पे पर्टिकुलरली हम और ध्यान दें तो हमें इस ट्रक के पीछे रेडर्स के 2 व्हीकल्स भी नोटिस हो जाते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इस ट्रक के अंदर दीपिका का कैरेक्टर है। और इवन ट्रेलर के एक शॉट में हम दीपिका को इस ट्रक के अंदर बैठे हुए भी देख सकते हैं। अब ये पूरा सीक्वेंस मूवी में कहां और कैसे टेक प्लेस करेगा, कैसे फीड होगा, इस पर मेरी एक पर्सनल थ्योरी है। तो मोस्ट प्रोबेबली दीपिका का कैरेक्टर इस प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट को एस्केप करेगा इस ट्रक के अंदर, जिस ट्रक को आगे जाके रेडर्स अटैक करेंगे और ये अटैक्स ध्यान खींचेंगे अश्वत्थामा का, जिसकी वजह से दीपिका को बचाने अश्वत्थामा की एंट्री होगी जो कि बहुत इजीली रेडर्स की पिटाई लगा देंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है ये बच्चा जो कि अश्वत्थामा के साथ ऑलमोस्ट पूरे ट्रेलर में हमें दिखा था। अब ये बच्चा अश्वत्थामा और रेडर की सारी फाइट देख रहा था और अब सिंस अश्वत्थामा को दीपिका के बारे में कुछ खास पता नहीं है तो वो दीपिका को बचाने के बाद उसे वहीं छोड़ के अपनी वापस टेंपल में चले जाएंगे, पर ये बच्चा उन्हें वहां तक फॉलो करेगा। और अश्वत्थामा की हाइड आउट पे जाने के बाद ये बच्चा अश्वत्थामा से कुछ बातें भी करता है जो कि हमें अश्वत्थामा के इंट्रोडक्शन वाले ग्लिम्स में देखने को मिला था, जहां ये बच्चा कह रहा होता है कि रेडर्स ने आपको गोली मारी बट आप मरे नहीं, क्या आप भगवान हो? By any chance, तुम भगवान हो? जिसका मतलब यही हुआ कि इस बच्चे ने वो सारी फाइट अपने आंखों से देखी और उसी वजह से एक होप लेके ये अश्वत्थामा के पास आया। और इसी पॉइंट पे अश्वत्थामा को रियलाइज होगा श्री कृष्ण का दिया हुआ श्राप, जिस श्राप पे स्पेसिफिकली ये मेंशन था कि अश्वत्थामा को अपनी पूरी जिंदगी अकेले बितानी पड़ेगी और उनके पास कोई भी दूसरा प्राणी रहना भी नहीं चाहेगा। पर सिंस ये बच्चा अपने मर्जी से अश्वत्थामा के पास आएगा तब जाके अश्वत्थामा को रियलाइज होगा कि कल्कि के आने का समय हो चुका है। और ये रियलाइज करते ही अश्वत्थामा का कैरेक्टर वापस दीपिका के पास जाएगा, जहां पे कुछ और रेडर्स और प्रभास का कैरेक्टर यानी कि भैरवा बाउंटी के लिए आए हुए हैं, जिसके बाद अश्वत्थामा रेडर्स को ठिकाने लगाते हैं और भैरवा से भी 1-on-1 फाइट करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस फाइट में वो भैरवा को बुरी तरह से हरा भी देते हैं। और उसके बाद दीपिका के कैरेक्टर को लेके इस केव में जाते हैं जहां पे अश्वत्थामा दीपिका को बताते हैं कि उन्होंने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। अब आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि ये कॉन्वर्सेशन इस फाइट के स्टार्टिंग में भी तो हो सकती है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इस ट्रेलर में हमने देखा था कि भैरवा बहुत कैजुअली दीपिका को हाय बोलता है और वहीं बदले में दीपिका भी बहुत कैजुअली रिप्लाई करती है, जिसका मतलब यही हुआ कि दीपिका को अभी थ्रेट लेवल का अंदाजा नहीं है। अगर अश्वत्थामा ने दीपिका को ऑलरेडी बता दिया है कि आपने अपने गर्भ में भगवान को स्थान दिया है तो वो किसी भी ऐसे रैंडम पर्सन से कैजुअली हाय हेलो तो नहीं करेगी ना, उसको थ्रेट लेवल का आइडिया रहेगा जो कि उसे यहाँ नहीं है। जिसका मतलब यही हुआ कि इन सभी फाइट सीक्वेंस के बाद
भैरवा को हराने के बाद अश्वत्थामा दीपिका के कैरेक्टर को लेके अपने हाइड आउट पे जाएंगे और जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वो दीपिका को लेके शंबाला भी जाएंगे। अब इन्हीं सभी सीन्स के बीच में आपको एक चीज जरूर नोटिस हुई होगी, अगर नहीं हुई तो इन कुछ फ्रेम्स को देखो, ये वाला फ्रेम देख लो और ये वाला भी ध्यान से देखो, कुछ दिखा? इन सभी फ्रेम्स में अश्वत्थामा की हाइट नॉर्मल से बहुत ज्यादा दिख रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया डिसीजन था मूवी मेकर्स का, क्योंकि हमारे पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि पहले के जमाने में जो ह्यूमंस रहते थे उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी। त्रेता युग में श्री राम की हाइट 9 फीट 7 इंच बताई गई है और रावण की हाइट 15 से लेकर 18 फीट तक बताई गई है। वहीं द्वापर युग में अश्वत्थामा की हाइट ऑलमोस्ट 12 फीट बताई गई है और जैसे जैसे समय बीतता गया ह्यूमंस की हाइट जो है वो कम होती गई। और आई एम 100% श्योर कि आपने भी अपने घरों में सुना होगा कि आपके पूर्वज आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टॉल हुआ करते थे। तो आई थिंक इस मूवी में अश्वत्थामा को नॉर्मल लोगों से थोड़ा बड़ा दिखाना एक बहुत अच्छा क्रिएटिव डिसीजन था मेकर्स की तरफ से। अब आगे बात करें तो ट्रेलर के एंड होते होते हमें शंबाला के बहुत सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं। इन्हीं सभी शॉट्स के बीच हम दीपिका को भी शंबाला के लोगों के बीच में देखते हैं। अब इसी स्पेसिफिक सीन का हमें एक पोस्टर कुछ दिनों पहले देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे एक चीज स्ट्रेंज है, वो है बारिश होना। अगर आप ध्यान से देखो इस सीन को तो इस सीन में बारिश हो रही है। डिस्टोपियन फ्यूचर में बारिश होना तो काफी स्ट्रेंज है ही, अभी किस कॉन्टेक्स्ट में बारिश हो रही है मूवी के अंदर ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको लेके मेरे पास एक थ्योरी जरूर है। टेंशन मत लो और जुल्म नहीं करूंगा आज के लिए, थ्योरी वैसे भी काफी हो चुकी है इस मूवी के अंदर। इसके अलावा ट्रेलर के एंड में बात करें तो हमें मास्टर यास्किन का एक बहुत ड्रेडफुल लुक देखने को मिलता है। अब अगर आप इस सीन के बैकग्राउंड को नोटिस करो तो ये वही जगह है जहाँ पे प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, जो कि हमने कल के ग्लिम्स वाले वीडियो में ऑलरेडी देख रखा था। और इसी सीन में आप यास्किन के सर में एक रेड स्टोन या फिर रेड एनर्जी भी देख सकते हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस कैरेक्टर को पावर देती होगी। साथ ही यास्किन ये डायलॉग जिस बंदे को बोल रहा है, इस बंदे को हमने कल्कि के ग्लिम्प्स में ऑलरेडी देख रखा है, और ये वही बंदा है जो ग्लिम्प्स में पूछ रहा होता है व्हाट इज प्रोजेक्ट के। व्हाट इज प्रोजेक्ट के? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली जिस बंदे से ये व्हाट इज प्रोजेक्ट के पूछ रहा है वो शायद यास्किन ही हो सकता है, मैं श्योर नहीं बट हो सकता है। खैर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ नया जानने को मिला हो इस वीडियो के थ्रू तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा उसको दबा दो, बस सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा गुदन।